again we are going to Agra, and this time we guys are not alone. So Oyo is there for sure, and I have my two brothers. Hello. One is Akshat and other is Saurabh. So he's my younger brother Akshat, and Saurabh is my elder brother. So it's Bhaiya, Saurabh Bhaiya. And get set, go! So this is the security gate, and we are out from the society and on the way to Agra. सो हम लोग पहले वहाँ पे गए थे पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए, बट पेट्रोल डलवाने के बाद हमें याद आया एकदम से कि हम शादी में जा रहे हैं और जिनके लिए गिफ्ट लेना है वो हम घर पे भूल गए. सो मैं और अक्षत बिल्कुल अभी ऊपर गए, फिर अभी वापस गिफ्ट लेके आए घर से, और अभी हम अभी घर पे ही हैं. उसके नीचे से अभी हम लोग जाएंगे. We are now heading towards the Agra highway, but there's an unusual traffic. पीछे भी काफ़ी traffic था, जगत फार्म की साइड भी, और near परी चौक भी थोड़ा सा traffic था. तो actually this is परी चौक, ये परी चौक है ना. पीछे भी ऐसे कुछ गोलंबर सा था, परी चौक जैसा दिख रहा था. तो उधर भी काफ़ी traffic था. मेरी bad है रास्ता यार, मेरे को मत बोला करो, मुझे रास्ता याद नहीं रहता. और आई थिंक यहाँ से भी आगरा के लिए बस मिलता है, यहाँ पे बस डिपो है. सो इस जगह से आपको आगरा के लिए बसेस मिल जाएंगे. सो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है परी चौक का. यहाँ मेट्रो से आप यहाँ तक आके यहाँ से बस ले सकते हैं, जो एक्सप्रेस वे से आगरा ले जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे से. सो इट सेज आगरा 185 किलोमीटर एंड मथुरा 126. सो दिस इज़ यमुना एक्सप्रेस वे, और हम लोग आगे रुकेंगे और वहाँ पे F1 रेसिंग ट्रक का ड्रोन शॉट्स आपको दिखाएंगे, जो कि सौरभ ले रहा है अपने ड्रोन से. वो ड्रोन लेके आया है. सो लेट्स सी. जो हमारा रिसॉर्ट है जो बुक है वो हाईवे पे ही है. तो वी ड्रॉप द प्लान टू गो टू ताजमहल राइट नाउ, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है. सिटी में जाने पे ही ऑलमोस्ट 1 and 1.5 hours लग जाएगा, तब तक टिकट्स भी नहीं मिलेंगे. सो हम कल सुबह जाएंगे वहाँ पे होपफुली. अभी तो बस रिसॉर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर रात को शादी इंजॉय करेंगे. सो मिलते हैं कल. बाय बाय. दूल्हा अभी तक आया नहीं है भाई, हम दूल्हे से पहले जा रहे हैं. अंदर घुसाने का. मॉर्निंग एवरीवन. सो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द ताजमहल अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड रात को शादी वादी हमने अटेंड कर ली. शादी वॉज लाइक एक्सपेक्टेशन वॉज वेरी हाई, बट इट डिडंट मेट द एक्सपेक्टेशन. बट ठीक था, उतना हमने जितना सोचा था कि हम ऐसे तैयार होंगे ये वो, तो आलस के मारे और ठंड के मारे हम में से कोई रेडी नहीं हुआ, और मस्त खा पी के हम लोग सो गए रात को. जिसकी शादी थी तो वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने भी नहीं गए, क्योंकि जब फोटो सेशन स्टार्ट हुआ तो हमने चेंज कर लिया था और हम सो रहे थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
ये वापस दिल्ली वाला हाईवे ही है, क्योंकि जो रिसॉर्ट था वो हाईवे पे था, जैसे मैंने रात को मेंशन किया था। सो वापस हम यू टर्न लेके दिल्ली वाले रास्ते से ही आगरा सिटी में घुसेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं कैसा क्या रास्ता है, रुकते हुए जाएंगे, कुछ खाते पीते जाएंगे, तो देखते हैं। 200 किलोमीटर है यहाँ से रास्ता है। ये सीधा निकल जाता है ना तुम्हारा फरीदाबाद होते हुए। क्या यहाँ से लेफ्ट लेना है फ्लेवर से नीचे, देन टेक लेफ्ट। ले लो भाई, बोलो। मास्क एंट्री नहीं देगा अंदर। है मास्क है। मास्क बहुत है। तो उधार भी दे सकते लोगों को। बेच भी सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम ताजमहल, साइड में आगरा फोर्ट भी है, वो हम लोग बाद में जाएंगे। तो यहाँ से एक ताजमहल का व्यू है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। सो बहुत हल्का सा कोरा कोरा टाइप का दिख रहा होगा आप लोगों को, बट रियल में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से जो दिख रहा है हमें रियल का व्यू, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मैं फ़ोन से उतना अच्छा नहीं दिखा पा रही हूँ, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि शैडो से बनाया हुआ है ताजमहल, ताजमहल का शैडो, बट इट्स वेरी नाइस। ताजमहल वेस्ट गेट है सीधे, टिकट विंडो सीधे। चलो चलो सीधे चलो। आगे क्या है? सीधे ही आ रहा है, 0.7 किलोमीटर। आगे रास्ता बंद है? नहीं नहीं इधर 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 अंदर ले दो। ये पार्किंग एरिया है। सारी बातें रिकॉर्डिंग। दिस इज द पार्किंग एरिया एंड दिस गेट इज द वेस्ट गेट। सो ये आगरा ताजमहल का पार्किंग एरिया है। हम लोग यहीं पे गाड़ी लगा के, यहाँ पास में बगल में कुछ खाने के लिए है, छोले भटूरे वगैरह मिलते हैं, तो हम लोग वो खाएंगे। और ओरियो को गाड़ी में ही रखना पड़ेगा क्योंकि एनिमल्स आर नॉट अलाउड इन ताजमहल। सिक्योरिटी चेक था, उधर कैमराज आर नॉट अलाउड, सो हम बस सीधा सिक्योरिटी चेक करा के अपना QR स्कैन करा के, इस तरह QR स्कैन कराया, इधर से लेडीज था उधर से जेंट्स था, सो वी जस्ट केम हियर एंड दिस इज द एंट्रेंस। क्राउड है यहाँ पे, तो लेट्स सी हाउ इट गोज।
लाइट क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर. जस्ट कम. सो वी आर एट द ताजमहल राइट नाउ. यू कैन सी ताजमहल देयर. अभी नहीं दिख रहा है बट वैसे है उधर पीछे. अभी ये मेन गेट के पास है हम लोग. ऑलमोस्ट या यू कैन सी बहुत सुंदर है. उस पर नक्काशी वगैरह हुई है वो बहुत ही सुंदर है. कोई अगर आएगा तो वी कैन नॉट कैप्चर एवरी मोमेंट बट द व्यू एंड द डेकोरेशन एंड एवरीथिंग इज सो ऑथेंटिक सो नाइस. सो आई रियली लव्ड इट. जस्ट लेट्स सी अभी अंदर जाएंगे फिर आपको आगे का भी दिखाती हूँ. Another ticket which costs around 200 per person, but I'm not sure we will buy it or not because it's very dicey. We have a crash of time. We have to go back to Delhi itself by today. So let's see what goes on. But I think it was not there before when I visited. I think 5-6 years back, so it wasn't that much of cost. But they have charged around 200 per person for going inside. I think it's not very nominal for everyone. But yeah, if you want to visit that, you can go ahead. Taj Mahal. उधर बहुत ज़्यादा crowd था और हम अपने photo shoots वगैरह कर रहे थे तो video close नहीं कर पाए. But we are now moving out from Taj Mahal. So from the same way because हमने parking उस side ही की है, तो same ही रास्ते से जाएंगे. और ये थोड़ा shortcut भी है तो better है. उधर थोड़ा बहुत वेंडर्स थे खाने पीने के लिए अगर किसी को चाहिए तो नॉर्मल आइसक्रीम्स एंड एवरीथिंग. सो इफ समवन वांट्स देन वी कैन गो अहेड. यहाँ पे सामने में फ्रंट में लॉकर रूम भी है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो जो सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते ताजमहल में. This is the Agra Fort. Again, we have to scan and buy ticket. Same as Taj Mahal. So, कोई crush नहीं है. In fact, you'll get 10 rupees discount when you'll scan and pay from your UPI card and all the possible payment methods are attached. So, that's not a problem. And it's very easy go thing because line में नहीं लगना पड़ता. बहुत अच्छी चीज़ है. मतलब I really liked it. ये gate है. We will heading towards this gate and we'll go inside. इसको बनने में
35 ईयर्स लगे 95 साल 1565 में अकबर ने बनाना स्टार्ट किया 1660 में औरंगजेब ने इसका राज किया। इस जगह पे शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया गया था क्योंकि वो दूसरा ताजमहल बनाना चाह रहे थे। उनके बेटे ने उनको यहाँ नज़रबंद कर दिया था और यहाँ से वो ताजमहल का दीदार करते थे, देखते थे। और ये चारों तरफ स्टोन्स लगा हुआ है इसमें। ये शीश महल है, इसमें ग्लासेस लगे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट लगाया जाता था, यहाँ पे रानियाँ आती थी, यहाँ राजा बैठते थे। और यहाँ नीचे मार्केट लगता था क्योंकि रानियों को बाहर जाना मना था, तो यही मार्केट लगता था नीचे, लोकल मार्केट। और रानियाँ अपने की ज़रूरत का जो भी सामान होता था वो ख़रीदती थी यहाँ पे, इस जगह पे। और इसके जस्ट सामने इधर दीवाने खास है। तो हम लोग दीवाने खास की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ पे मंत्री बैठते थे राजा के वाइफ वाले पे, और ब्लैक पे राजा बैठते थे इस जगह पे। ये दीवानिया में यहाँ सामने राजा बैठते थे और बाकी प्रजाजन यहाँ आते थे इस जगह, और वहाँ पे राजा से मिलते थे। So guys, we have done with the Agra Fort. It was amazing. Okay, bye. Hope you like the video. If you like it, please share and subscribe.